दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है, आप छोटी सी झाड़ी देख सकते हैं, इसके पर ये लगे हैं। तो दोस्तों, ये है मूली का पेड़। आपको पता है मूली का पेड़ के मूली के दाने जो कैसे होते हैं? मूली तो आपने खाई है। अगर आपके घर में जगह है, ज़मीन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो मूली होती है, मूली को अगर खेत में आपने लगा रखी है तो उसको उखाड़ना नहीं है। और जब इसका तो एक प्रकार का इसका सरसों की साग की तरह आप इसकी पत्तियां भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं, ये जो इसके ऊपर अब इसके फल लग रहे हैं मूली के, जैसे मुंगरे होते हैं वैसे ही मूली का पेड़ होता है। आप देख सकते हैं मुंगरे की सेम प्रजाति होती है, ऐसे ही मुंगरे होते हैं जो आपने खाए हैं। मुंगरे भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये जब क्या होता है कि जब ये फलियां पक जाती हैं तो इससे इसके बीज पैदा होते हैं, इसके बीज निकलते हैं इससे। ये जो जब सूख जाएगा तो इसके बीज पैदा होते हैं। तो बीज को हम सुखा कर रख लेते हैं, और जब हमने अगले सीजन में जब मूली बीजते हैं तो ये सारे बीज को आपने सुखाना है, संभाल कर रखना है। जब ये पक जाए, तोड़ने नहीं है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सुखाने के बाद आपने इससे बीज निकाल लेने हैं। और जब इसका मूली का सीज़न आ गया, जब हम मूलियाँ बीजते हैं, तो उस टाइम आपने इसको बीज देना है। और उस आपको बाज़ार से इसका बीज भी लेने की ज़रूरत नहीं। जब आपने एक ही पेड़ देख लिया आपने कि एक पेड़ के ऊपर कितने बीज हैं, आप देख सकते हैं कितना पेड़ है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पेड़, ये मूली का पेड़ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मूंगरा। तो दोस्तों, आपने इससे पहले मूली का पेड़ देखा भी, यह है मूंगरा। मूंगरा और मूली जो होती हैं, देखने में इनके जो पेड़ होते हैं एक जैसे होते हैं, मगर मूंगरा जो होता है वो छोटा लंबा होता है, और मूंगी जो मूली की होती है, मूली की जो फल होता है वो छोटा होता है, छोटी फली होती है। तो आप देख सकते हैं, तो मूंगरा जो होता है काफ़ी लंबा होता है, इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। आलू और मूंगरा की सब्ज़ी बनाई जाती है तो बहुत स्वाद होती है। तो इसमें आप मूली की फल वो भी डाल सकते हैं, बी फलियाँ भी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।